का राजा है, इसलिए शायद दुनिया भर में आम को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि गर्मियों का सीजन आते ही मार्केट में आम की भरमार आ जाती है और दुनिया भर में कई प्रकार के आम पाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं एक खास आम के बारे में, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? जो आम पीला, लाल या हरे रंग का नहीं बल्कि बैंगनी रंग का होता है। अगर आप इस खास आम के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आपने आम की कीमत 50 से लेकर 500 तक तो सुनी ही होगी। इवन सबसे बढ़िया आम, जिसे कहते हैं हापुस, उसकी भी कीमत 1000 रुपए किलो तक होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी तरह का आम मिलता है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2.7 लाख रुपए किलो है। मस्त जोक मारा रे, यहाँ से अलकटार। आपने एकदम सही सुना, जबलपुर में एक खास आम की खेती की जाती है, जिसे लोग एग ऑफ सनशाइन यानी सूर्य किरण का अंडा नाम से जानते हैं, और इस आम की कीमत 2.7 लाख रुपए है। रुको जरा, सबर करो। इस आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिया जाकी या टाइनो नो टमागो नाम से जाना जाता है। और तो और, आपको इस आम के बारे में एक खास बात बताएं, ये आम हरे या पीले रंग का नहीं बल्कि ये खास आम पर्पल यानी बैंगनी रंग का है। आइए आपको बताते हैं इस आम की खासियत क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में जापान का फेमस आमतौर पर ये आम जापान के क्यूशू प्रांत में मियाजाकी शहर में उगाए जाते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2.7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। इस आम की कीमत को देखते हुए इस बगीचे की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे 3 गार्ड और 9 कुत्तों को लगा रखा है, ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की चोरी ना हो सके। हम आपको बता दें कि इस आम की महक मुंबई तक पहुंच चुकी है और वहाँ के कुछ आम कारोबारी इस आम के लिए 21,000 रुपए प्रति नग तक की बोली लगा चुके हैं, यानी कि वो लोग सिर्फ एक आम के लिए 21,000 रुपए तक देने को तैयार हैं। वैसे हम आपको इस आम के बारे में बताएं तो इस एक आम का वजन करीबन 900 ग्राम तक होता है और ये आम हर समय बैंगनी रंग का नहीं रहता है। पक जाने के बाद आम सुनहरे रंग के हो जाते हैं। पेड़ में लगे ये आम लोगों को बहुत ही लुभाते हैं। इस आम में खुशबू व मिठास ज्यादा होती है, और तो और, इस आम को खाने पर मिठास के अलावा नारियल और अनानास का भी हल्का स्वाद आता है। ये आम इतना खास है कि इस आम को GI टैग भी दिया गया है। अगर आप ये आम खाना चाहते हैं तो आपको मोटा खर्चा करना होगा और काफी जेब ढीली करने के बाद ही आप इस आम को खा सकेंगे। अगर आपको इस खास आम के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।